गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम चंद्र भानु फ्रॉम ज्ञान भारती। वी स्टार्ट क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 2। नाउ वी स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। होल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चे आप लोग को बता रहे हैं। तो पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, जबकि मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स सभी नेचुरल नंबर्स हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0 फॉर्म ए सिस्टम ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर 0 के साथ एक सिस्टम बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, उसका नाम होल नंबर दिया गया है। ये सभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोग को। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 और स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 है। होल नंबर ऑन नंबर लाइन, हाउ यू रिप्रेजेंट ए होल नंबर और नंबर लाइन। आइए देखते हैं बच्चों कि कैसे हम होल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड बढ़ेंगे, 0 से चलेंगे हम राइट साइड, तो 0 से राइट साइड हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो सभी हमारा होल नंबर्स होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी होल नंबर से अप टू इन्फिनिटिव। आइए बच्चों अब होल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट 5 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, 0 देंगे, इसके राइट साइड हम बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा 5 हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा 5 का हो गया। ध्यान रहे बच्चों, यह जो हम लेंगे दूरी बीच पर गैप लेंगे 1 और 0 के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का लेंगे या 1-1 इंच का लेंगे, ये समान दूरी होगा, ये दूरी डिफरेंस नहीं होगा। ये नहीं कि ये छोटा ले लेंगे ये बड़ा ले लेंगे, ये छोटा ले लेंगे ये बड़ा ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 0-1 के बीच में जितनी दूरियां रहेगी ये उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच में रहेगा, उतनी ही दूरी हमारा 2 और 3 के बीच रहेगा, उतना ही 3 और 4 के बीच रहेगा, उतना ही 4 और 5 के बीच रहेगा, उतना ही 5 और 6 के बीच रहेगा, और तब हम लोग 5 दिखा देंगे। इसी ढंग से हमको दिखाना है, मान लिया 8 नंबर लाइन लेंगे, 0 देंगे और बराबर सेम दूरी, अगर इतना दूर लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ दिखा दीजिए, हमारा 8 हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। इस ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट किसी भी नंबर को करेंगे नंबर लाइन पर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसर ऑफ ए नंबर। एक नंबर का सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर किसको कहते हैं, चलिए उसको देखते हैं हम लोग पर चुपाले। कि द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर ए नंबर इज कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ द नंबर। द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर ए नंबर, किसी भी नंबर के जस्ट जो बाद नंबर आता है, आफ्टर जो नंबर आता है, किसी भी नंबर के आफ्टर जो नंबर आता है उसको हम लोग सक्सेसर कहते हैं उस नंबर का। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एडिंग 1 to ए नंबर वी गेट सक्सेसर ऑफ द नंबर। जब भी किसी नंबर में अगर 1 हम ऐड कर देते हैं तो हम उस जिस नंबर में ऐड करते हैं उसका सक्सेसर हमको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा देखिए है प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। तो व्हाट इज प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मतलब क्या है, तो द नंबर व्हिच कम्स जस्ट बिफोर ए नंबर इज कॉल्ड द प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। द नंबर व्हिच कम जस्ट बिफोर, वह नंबर जो जस्ट पहले आता किसी नंबर का, तो जो पहले नंबर आया वो हमारा प्रेडिसेसर कहलाया उस नंबर का। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ए नंबर वी गेट प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर। कभी भी किसी भी नंबर में जब 1 हम घटा देंगे, 1 को हम माइनस कर देंगे, तो हमको उस नंबर का प्रेडिसेसर मिल जाएगा। तो बच्चों
आप लोगों बस समझ गए होंगे कि सक्सेसर का मतलब है जिस नंबर का भी सक्सेसर पूछा जाए उसमें वन जब ऐड कर देंगे तो हमको सक्सेसर मिल जाएगा, और किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर पूछा जाएगा तो उस नंबर में वन माइनस कर देंगे तो हमको उस नंबर का प्रेडिसेसर मिल जाएगा। तो सक्सेसर प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए वन ऐड करेंगे और प्रेडिसेसर जानने के लिए हम वन माइनस करेंगे। आइए बच्चों, अब बताते हैं सक्सेसर कैसे बनाया जाता है। तो जैसे हम टू का सक्सेसर पूछते हैं तो टू प्लस वन बराबर थ्री, तो कहेंगे सक्सेसर ऑफ टू इज थ्री। उसी ढंग से अगर हम कहेंगे सक्सेसर ऑफ फाइव क्या होगा, तो इसमें हम लोग फाइव प्लस वन कर देंगे सिक्स, तो सिक्स इज द सक्सेसर ऑफ फाइव। फिर आइए प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर में बोले थे वन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइव का प्रेडिसेसर पूछते हैं क्या होगा, तो फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर, तो फाइव प्रेडिसेसर ऑफ फाइव इज फोर। उसी ढंग से दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि प्रेडिसेसर ऑफ टेन क्या होगा, तो टेन माइनस वन कितना आ जाएगा बच्चों, नाइन। तो टेन का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, नाइन। तो लिखेंगे नाइन इज द प्रेडिसेसर ऑफ टेन या प्रेडिसेसर ऑफ टेन इज नाइन, दोनों ढंग से इसको लिख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करके कॉपी में और व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।